अभी मेरे से आज रोड सेफ्टी पर बोलने के लिए कहा गया है, तो अचानक दिमाग में तो कुछ नहीं है, लेकिन मोटी मोटी बातें मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। दो घटनाएं घटी हैं अभी जिन्होंने मुझे हला के रख दिया। पहली घटना आपको पता होगा, मैं 10 दिन में विद्यालय में आया, उसके पीछे कारण क्या था, मेरे ही बेटे का भतीजे का एक्सीडेंट हो गया जोधपुर, और 10 दिन उसको अस्पताल में भर्ती रखना पड़ा। हम वहां रहे, हमसे क्या बीती उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। क्यों बताना चाहूंगा, सिर्फ मेरी आत्मकथा, मेरी व्यथा यह दुखड़ा रोने के लिए नहीं, यह बताने के लिए रोड सेफ्टी कितनी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। यदि ऐसी घटना किसी के भी साथ घटित होती है तो जो कुछ हमसे गुजरा वो ही उसके परिवार वालों से गुजरेगा। दूसरा, अभी हाल ही में परसों या पहले दिन की बात है, साइरस मिस्त्री, अगर अखबार पढ़ते होंगे आप तो नाम सुना होगा, टाटा समूह के सीईओ भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, और बहुत बड़े उद्योगपति हैं, हजारों करोड़ों रुपए में उनका नेटवर्थ है। किसी धार्मिक कार्यक्रम से आ रहे थे मर्सिडीज गाड़ी से, और वो कहीं डिवाइडर से टकरा गई और उनकी उसमें मृत्यु हो गई। यदि उन्होंने रोड सेफ्टी का एक जो नियम है कि गाड़ी में हमेशा सीट बेल्ट लगाना चाहिए, उसको फॉलो किया होता तो शायद नहीं, 100% उनके प्राण बच जाते। देखिए, दिमाग से विचार कीजिए थोड़ा सा, जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं, लालन पालन करते हैं, 18-20-22 वर्ष तक लगातार हमारे लिए खिलाने का, पिलाने का, पहनाने का, कपड़ों का, शिक्षा का, चिकित्सा का पूरा खर्च करते हैं, और उसी का बेटा या बेटी जब वो 18 और 20-22 वर्ष का हो जाता है, बाइक या गाड़ी चलाने लग जाता है, 80 और 90 की स्पीड पर बाइक को दौड़ाते हुए हमको देखे जाते हैं, तो क्या इसी दिन के लिए, और आप जानते हो 80, 90 और 100 की स्पीड पर जब वो बाइक दौड़ाते हैं तो उनके साथ क्या घटनाएं घटित होती हैं? नियमित रूप से आप अखबारों में भी देखते होंगे, आपने आपके घर परिवार रिश्तेदार और गांव में भी ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि वो उन फलाना। देखिए, सबसे ज्यादा तो दुर्घटनाग्रस्त होने वाली जो उम्र है वो है 18 से 30 वर्ष के बच्चे या युवा पीढ़ी, किशोरावस्था से लेकर के और युवावस्था तक की जो पीढ़ी है, 80% दुर्घटनाएं उन लोगों के साथ होती हैं, क्योंकि वो गैर जिम्मेदार तरीके से साधन चलाते हैं, वैक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, जो रोड पर चलने के जो नियम है उनको फॉलो नहीं करते हैं। एक स्टेटस सिंबल बना रखा है नियम तोड़ने का, जो जितना नियम तोड़ेगा वो उतना पावरफुल है। ये हमारी युवा पीढ़ी की एक संकुचित मनोदशा हो चुकी है कि जिसने भी नियम तोड़े वो पावरफुल है। किसी का भी एमएलए को फोन करा दिया है, हमारे तो पार्षद है, हमारे तो सरपंच है, उससे फोन करा दिया, हेलमेट नहीं लगाना, गाड़ी ओवर स्पीड में चलाना, पी के चलाना, गैर जिम्मेदार तरीके से चलाना। सरकार ने जो रोड सेफ्टी के नियम बनाए हैं, अपन शुरुआत करें सिर्फ और सिर्फ हेलमेट से। हेलमेट सरकार ने क्या चालान लेने के लिए बनाया है क्या, कि जैसे ही अपन तो गांव में रहते हैं, यहाँ ट्रैफिक रूल्स या सिग्नल्स की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैंने शहर में भी देखा है, सामने ट्रैफिक के सिग्नल है, बत्ती है, तो हेलमेट लगा लिया, बत्ती हटाई निकली और हेलमेट निकाल लिया। तो सिर्फ और सिर्फ हम हेलमेट क्या फैन से बचने के लिए पहनते या अपनी सुरक्षा के लिए पहनते? हेलमेट पहना जाता है अपनी सुरक्षा के लिए। हमारे साथ जो घटना घटित हुई, हमारे बच्चे ने यदि हेलमेट पहना होता तो शायद उसके साथ ही हमें कॉल भी नहीं करते, हाथ पैर में कुछ लग भी जाती तो हमें कॉल नहीं किया जाता, आपकी बाइक फिसल गई, आपकी बाइक, आप जा रहे हैं 50 या 40 या 60 की स्पीड पर, क्योंकि स्पीड के नियम को फॉलो नहीं करते हो तुम लोग, अचानक कुत्ता आ गया, गाय आ गई, जानवर आ गया, क्या दुर्दशा होगी आप लोगों की? तो ऐसी स्थिति में एक तो हर हालत में हमें हेलमेट पहनना ही चाहिए, दूसरा स्पीड साधन है ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ मंजिल तक पहुंचाने के साधन है, ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है कि हम इनको उड़ा रहे हैं। मैंने युवा पीढ़ी को देखा है एक पैर पर, एक पैर इधर, हाथ में वो लेके और उसी स्थान पर घुमाना, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज करने वाली, अपने आप को दिखाने वाली
अपने आप को शो करने वाली पोजीशन में हम रहते हैं। तो एक तो अपन को जो स्पीड है इसका ध्यान रखना है, हेलमेट हमें पहनना है, हमें पहनना ही नहीं है। परिवार का कोई भी परिजन घर से बाहर निकलता है और हेलमेट नहीं पहनता है तो देखो हमारे शिक्षित होने का तात्पर्य यही है, सिर्फ किताबें पढ़ लेने से, दो अक्षर पढ़ लेने से हम शिक्षित नहीं हो जाएंगे। शिक्षा का अर्थ है सर्वांगीण विकास, शरीर का, मन का और आत्मा का विकास, यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग आना, जीवन जीने की कला आना। जब तक जीवन जीने की कला नहीं आएगी तब तक हम शिक्षित नहीं है। यदि हमारे होते हुए हमारे घर वाले हेलमेट नहीं लगाते हैं और हम उनको नहीं टोकते हैं तो हम शिक्षित नहीं है। तो हर हालत में हम ऐसा प्रयास करें, खुद अगर बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं तो खुद लगाएं, और हमारा परिजन या कोई भी मिलने जुलने वाला है तो उसको प्रेरित करें कि हर हालत में वो हेलमेट लगाए। मैंने देखा है हम जब गाड़ी से सुबह आते हैं या फिर छुट्टी के बाद जब घर जाते हैं तो बच्चियां झुंड के झुंड बना करके रोड पर चलती हैं। हो सकता है हमारा मस्तिष्क तो ठीक है, हमने तो शराब नहीं पी रखी है, लेकिन क्या आपको पता है कि जितने भी ड्राइवर्स हैं, जितने भी वाहन चलाने वाले हैं वो बिल्कुल स्वस्थ मस्तिष्क से हैं, उनके अंदर कोई तनाव नहीं है, उन्होंने शराब नहीं पी रखी है। आपने आपको गारंटी से पता है क्या इस चीज का? आप झुंड बना के चल रहे हैं और आपको वो ऊपर चढ़ा के ले गए, आपके पैर के ऊपर ले गए, तब क्या बनेगा? एक तो इस चीज का ध्यान रखना है कि झुंड बना के नहीं चलना है और हमेशा रोड के बाईं तरफ झुंड बना के नहीं चलना है, बिल्कुल अकेले चलें, और झुंड भी बना के चल रहे हैं तो रोड पूरा खाली होना चाहिए। दूसरा, बस से में हमें कहीं जाना है, जीप से कहीं जाना है, हिंडौनी जाना है, मान लिया हमें बस जीप नहीं है, टेम्पू से जाना है, तो ऐसी स्थिति में मैंने एक ऐसी जीप के बारे में कहानी सुन रखी है ग्रामीण के बारे में, जो 8 सीटर होती है या 10 सीटर होती है और जिसमें 55 सवारियां निकली गई थी। वो ट्रैफिक पुलिस वाले ने भी ये कहा था, भैया तो मुझे एक बार जब बाहर निकाला उसने काउंट किया 55 सवारी निकली, तो उसने हाथ जोड़ के कहा था तेरा चालान नहीं काटूंगा भैया मैं, तो मुझे इनको एक बार बैठ करके बता दे कि तूने इसको सेट कैसे किया, उस चीज को बता दे कि तूने इनमें मतलब इसमें इनको सेट कैसे किया, उस चीज को बता दे। तो हालत यह है देखो, मतलब मैं ड्राइवर की स्थिति है ना, ग्रामीण रोडों पर चलने वाले जो ड्राइवर्स की स्थिति रहती है वो अपनी सीट पर नहीं बैठता है, वो बाहर इधर की तरफ बैठता है, उसकी सीट पर सवारी बैठती है, वो बाहर बैठता है। ऐसी स्थिति में अपन को अगर कोई साधन बहुत ज्यादा भरा हुआ है, बेवकूफीपूर्ण तरीके से ले जा रहा है, वो थोड़े से लालच के चक्कर में लोगों की जान की परवाह न करके उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो हम उसको अवॉइड करें, वो नहीं है तो दूसरा आएगा, पैदल भी जाए। तो ऐसी स्थिति में अपन को ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल यदि हमारे पास बैठने की जगह बाहर लटक के जा रहे हैं, मैंने लड़कों को देखा है खूब, टेम्पू में जगह नहीं है, बाहर खड़े हुए लटक रहे हैं, थोड़ी सी भी दोची आ गई और उछल के आप नीचे आ गए, आपकी ये CPU में टूट फूट गया, तो मिस्त्री भी नहीं है आसपास इसके इलाज करने वाले, हो सकता है पहुंचते पहुंचते आपकी जय हिंद हो जाए। तो इन चीजों का आप अपन को विशेष ध्यान रखना है। आप कल्पना कीजिए, हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, खिलाया है, पिलाया है, लालन पालन किया है, उन माँ बाप से क्या बीतेगी जब वो सुनेंगे कि हमारे बच्चे का, हमारी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। की बात है, जंगल में एक गाय के पीछे शेर पड़ गया, जंगल में एक गाय के पीछे शेर पड़ गया, गाय भागती थोड़ा आगे भागती है, नजदीकी एक पानी का स्थान था और वो पानी का स्थान दलदल था, तो गाय आगे गई, वो दलदल में फंस गई, शेर भी उसका शिकार करने के चक्कर में उसके पीछे पीछे पहुंच गया, तो थोड़ी सी गाय आगे गई वो फंस गई, शेर गया वो भी फंस गया, दोनों दलदल में फंस गए जबरदस्त तरीके। अब गाय उस शेर को देख करके हंसने लग गई जोर जोर से, शेर कह रहा क्यों तू क्यों हंस रही है, मैं तेरे शिकार के लिए आया, मरेगी तू भी मरूंगा मैं भी, तू क्यों हंस रही है? तो गाय बोली कि शेर तू तो गया, अब तेरे प्राण नहीं बचेंगे, कि तू आगे दलदल में है मैं पीछे हूं, मेरे से पहले तो तू मरेगी कि मैं नहीं मरूंगी, क्यों? क्योंकि जिनको पालने वाले होते हैं, जिनकी चिंता करने वाले होते हैं, कभी वो दलदल में फंसकर मरा नहीं करते हैं। मैं मुझे कोई पालने वाला है, मेरे ग्वाले हैं, मतलब मैं एक पालतू जानवर हूं, शाम को जब मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो उनको चिंता होगी कि हमारी गाय कहां है, और वो देखते देखते मेरे यहां तक आएंगे और मुझे निकाल ले जाएंगे, तुझे निकाल ले
कोई नहीं आएगा। तो जिनको पालने वाले होते हैं, जिनकी चिंता करने वाले होते हैं, जिनको टोकने वाले होते हैं, जिनको अनुशासित रखने के लिए पाठ पढ़ाने वाले होते हैं, जिनको दिशा निर्देशित करने वाले होते हैं, जिनको गाइड करने वाले होते हैं, वो कभी दलदल में फंसकर मरा नहीं करते। इसलिए जो तुम्हें जीवन उपयोगी बातें बताए, उन चीजों को अपन को आत्मसात करना चाहिए, और उनको अपन आत्मसात करेंगे तो हम कभी दलदल में नहीं फंसेंगे।